दोस्तों सिंगल प्लांट के बारे में जो जानकारी दी उसमें जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आज, ये दे रहा हूँ विनका मोदी की, जिसे कहते हैं विनका। विनका विनका का मतलब हो गया यानी कि बोर पंखी का पौधा, जो हम जो है बचपन में जो है कॉपी के बीच में भाग के रूप में लगाया करते थे कि हम पास हो जाए कुछ हो जाए करके। दोस्तों ये स्टैंड में यहाँ से लगा हुआ है, आप दिख रहा होगा ये फर्स्ट क्लास तरीके से, इसके लिए बड़ा स्टैंड मैंने लिया हुआ है, ये देखो ठीक है। और ये इसलिए फ्लो वाला चौड़ा गैप वाला फैला वाला गमला इसके लिए मैंने लिया हुआ इस तरीके से, इसमें लगा हुआ। इस बिनका की कीमत इसके जो ये तकरीबन इसको हो गए 6 या 7 साल हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको देता हूँ। छोटा ही बिनका लाना है, इसको लगाने में ज़रा सा परेशानी आती है, जल्दी सूखने एकदम सूखते ना दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो इसको लाओ तो सही तरीके से, इसको बसंत ऋतु में लगाओगे तो सही तरीके से ग्रो करेगा। गर्मी में जो है इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो पौधा आप लाते हो ना उसको जो है ठीक है सही तरीके से निकाल लेके एक गमले में रिपोर्ट करो, गमले की हाइट और वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से मैं दिखाता हूँ, ये विनका है। विनका में जो बीज होते हैं ना दोस्तों, ये बीज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बीज जो पौधे ये इनको निकाल दिया करो, इससे इसके ग्रोथ होने में जो है परेशानी। ये देखो इस तरह के जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, मैंने काफ़ी निकाल दिया ये, ठीक है। काफ़ी परेशानी होती है, अगर दूर से आप देखोगे तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मेरे से भी काफ़ी ऊपर चला गया है, ठीक है। मेरे से कम 1.5-2 फीट ऊपर चला गया है ये पौधा, ठीक है। लग ऐसी रहा है और हाइट इसकी फर्स्ट क्लास कैसे ग्रो कर रही है, सही तरीके से फैल रहा है। इसको जो है गोलाई में काट के सही तरीके से मैंने कटिंग भी किया था, अभी ये जो है फिर इसकी जो है बसंत ऋतु के बीच में ही मैं इसकी कटिंग कर दूँगा। बसंत ऋतु ख़त्म हो गया लेकिन बरसात अभी चल रही है, तो कोशिश करूँगा कि इसको एक बार गोल कटिंग और दोबारा कर दूँ। और जब भी आप गमला लाते हो तो पौधा लाते हो ना, इसका विंका का और दूसरा दोस्तों ये डायरेक्ट सनलाइट का पौधा मान के मत चलो, उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हो और नॉर्मल धूप इसके लिए बेटर है दोस्तों। ज़्यादा तेज़ धूप भी इसके लिए बहुत तगड़ी धूप में भी रखने में नुकसान रहता है। कोशिश करो कि इसको ग्रीन नेट के अंदर रखो। ग्रीन नेट का एक वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों, किस तरीके से गर्मी में मेरे पौधे ग्रीन नेट के अंदर इंडोर हो जाते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रखोगे तो यह सही तरीके से ग्रो करेगा, डायरेक्ट धूप में रखने से ज़रा से इसको तकलीफ़ हो ही जाती है। जैसे अभी ये पौधा है दोस्तों, अभी देखो इसमें मैंने अभी किचन वेस्ट वगैरह पूरा डाला हुआ है ये, ठीक है। ये आला है, इसको ये हो गया है लाए हुए मेरे को तकरीबन अभी 2 महीने हो चुके हैं इसको, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बसंत ऋतु में क्या देख लो, इसका जो निखार है ना, ठीक है, इसका अरोमा किस तरीके से निखर के सामने आ रखा फर्स्ट क्लास तरीके से, ये देखो ये, ठीक है, ये ठीक है। तो ये है, तो इसमें जो है पानी आप खुल के डाल सकते हो, गर्मी में तो बहुत ही सब खुले आप दबा के डालना ही पड़ता, लेकिन आप इसमें पानी खुल के डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, ड्रेन सिस्टम होने के बाद पानी निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है, देखो कबूतर आने शुरू हो गए दोस्तों, क्योंकि ऊपर चारा डाला हुआ तो कबूतर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, और जो मैंने छत में चारा डाला है वो चारा खाने के लिए ये कबूतरों ने अपनी रेंज बना ली है। चलो इस वीडियो से हटके जरा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये ऊपर वाले घर में ये बैठा हुआ है, वो बैठ गया वहाँ, ठीक है। और सामने वाले उस पर भी, वो सामने बहुत सारे ये देखो दोस्तों बैठ गए हैं। ये सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो 10-15 सालों से मेरे पास आते हैं, और जब चारा नहीं होगा ना तो दोस्तों ये उड़ते नहीं, पता है कि हाँ चारा मिलना ही मिलना है, ठीक है। और चारे की बात जहाँ तक कर रहे हो तो दोस्तों चारा ये इसके ऊपर मैं डालता हूँ, ये देखो छत के ऊपर मैं डालता हूँ। ओहो सिट दोस्तों, ये चारा खा चुके हैं, देखो मैंने चारा डाल दिया, दूसरी बार चारा डाल चुका हूँ, फिलहाल मैं घर पर था तो मैंने दूसरी बार चारा डाल दिया था लेकिन ख़त्म हो गया दोस्तों। इनका घर का मतलब इन्होंने मुझे देख लिया, अब ये चाहते हैं कि मैं और चारा डालूं दोस्तों, ठीक है। तो इनको मैं अभी और दोबारा चारा डालूंगा दोस्तों, ठीक है, ताकि जब देख लेते हैं ना तो फ़र्ज बनता है चाहे कितने बार डालना पड़े, डालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया, तो ये है विनका, ठीक है। ये दूर से आप देख लो तो गमला सिस्टम ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा जो है ज़मीन से हवा में गमला होना चाहिए। इसका मैंने उदाहरण दे दिया, ये देखो अभी फिलहाल हवा में गमला है दोस्तों, ये देखो ये, ठीक है, ये और इसमें पानी फर्स्ट क्लास तरीके से, ये बसंत ऋतु का पानी इसको झेल, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गर्मी में लगाओगे ना दोस्तों मरने के चांसेस के ज़्यादा रहे, बसंत ऋतु में इसको 100% इसको तो 100% मेरा कहना है कि इसको जो है बसंत ऋतु में ही आपने लगाना चाहिए। ये जड़ पकड़ लेगा और सही तरीके से निखर गया, सो करेगा, उसके बाद एक बार ये निखर गया ना, इसको किसी की ताकत नहीं इस पौधे को कोई रोक लिए, ठीक है। पानी का मैंने बता दिया, खाद ऑर्गेनिक खाद आप डालते रहो, ज़्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल बीच बीच में 1-1-2-2 महीने के बीच में नॉर्मल ऑर्गेनिक खाद, पत्ते, किचन वेस्ट वगैरह जो भी है वो सब डालते रहो, ये फर्स्ट क्लास तरीके से ग्रो करेगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल, ठीक है। ये दोस्तों
ये स्टैंड है ना, ये देखो देखो कितना बड़ा स्टैंड है दोस्तों, ये देख लो ठीक है ये। और ताकि इसके एक्स्ट्रा को लेने के लिए इसके चारों ओर एंगल भी लगे हुए हैं ये, ठीक है। और स्टैंड की बात करूँ तो मेरे पास 250-300 तो ये स्टैंड होंगे दोस्तों इस टाइप के। और बाकी वैसे जो मैंने क्या कहते हैं टेन क्लब से मंगाए हुए हैं वो स्टैंड अलग है, और जो मैंने दीवारों में फिट कर रखे वो स्टैंड दोस्तों अलग हैं। और जो वॉल स्टैंड वगैरह लगा रखे वॉल लाइन वगैरह काफ़ी जो स्टैंड, अगर जो प्लांट लगा रहे ना दोस्तों वो 100% जो है इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेगा, खाने में कंजूसी करेगा, प्लांट के मामले जैसी लापरवाही नहीं करेगा, ये मानता हूँ और ये मैं जानता हूँ ठीक है। वही चीज़ के दीवाने होते हैं। चलो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।